तो भाई लोग, ये जो आईफोन 11 है, ये जो परचेज़ किया है मैंने जे जे कम्युनिकेशन से, इसका ऑलरेडी मैंने एक रिव्यू वीडियो डाला है, तो वो आपने नहीं चेक किया तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। और उसमें एक टेस्ट बाकी था जो कि था इंटरनल पार्ट्स का, तो वो इसलिए नहीं कंप्लीट हुआ था क्योंकि मेरे पास ये चीज़ नहीं थी जो कि है टाइप सी फीमेल टू यूएसबी कन्वर्टर। अब ये क्यों लगा, क्योंकि मेरे पास लाइटनिंग टू यूएसबी ये केबल नहीं है और एक यही केबल है मेरे पास जो अभी बॉक्स में मिलती है। ठीक है, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या भाई इसके अंदर के पार्ट्स ओरिजिनल है, चेंज किए हुए है, सब अपने को अभी मिल जाएगा। बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब देखते हैं इसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्या आता है। ये आ गया रिपोर्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 3U टूल्स क्या करता है, ये आपके इंटरनल पार्ट्स डिटेक्ट करता है कि इसका एक्स फैक्ट्री वैल्यू क्या थी, जो इसका सीरियल नंबर क्या था, और वो उसको मैच करता है। और टेस्ट रिजल्ट आप देख सकते हो कि सब नॉर्मल आ गए हैं। और एक ही जगह पे आ रहा है कि जो सेल्स मॉडल है वहाँ पे वो दिखा रहा है अननोन सेल्स मॉडल। अब ये मुझे पता नहीं कि ये क्या क्यों आ गया है, लेकिन ओवरऑल स्कोर इसने दिया है 100%, 100 स्कोर किया है। अब यहाँ पे आप इसका वर्जन देख सकते हो, बैटरी लाइफ अभी 100% दिखा रहा है। ठीक है, चार्जिंग 52 टाइम्स अभी तक हो चुका है, तो इसको मैंने एक महीने तक यूज़ किया है, तो एक महीने में ये 52 टाइम्स, एक महीने से ज़्यादा हो गया होगा, 52 टाइम्स अभी तक मैंने इसको चार्ज किया है। ठीक है, आप सब आप यहाँ पे देख सकते हो इन्फॉर्मेशन। अब ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं अपने ये सीरियल नंबर्स में थोड़ा इसको हाइड करता हूँ। ठीक है, आप रियर कैमरा देखो, ये सब एग्जैक्टली सेम है, कोई भी रिफर्बिश्ड रिप्लेस या रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, स्क्रीन का नंबर आप देख लो, सब देख लो। तो दोस्तों, ये रहा टेस्ट, पूरा 100 स्कोर किया, मतलब अब आप देख सकते हो ये बॉक्स ओपन पीस है। और ये अब मुझे, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज़ इसमें ओरिजिनल है, कोई भी रिफर्बिश्ड रिप्लेस्ड रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो यार लाइक ज़रूर करो, और आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो यार ज़रूर शेयर करो। ठीक है,